हाय फ्रेंड कैसे है आप लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप लोग मेरा ये जुमला सुन के बोर हो गए होंगे तो बिल्कुल भी मत होइए क्योंकि मैं आप लोग को ब्लेसिंग ही दे रही हूँ अगर आप लोग समझे तो मेरे उस वर्ड को और आज मैं कप केक बना रही हूँ अभी एक दो ने पूरे सौ कप केक बना रही हूँ अगर जिसको लगता है कि ओवन के बिना हम कप केक इतने सारे नहीं बना सकते तो मेरी इस वीडियो से ज़रूर सीखेंगे कि बहुत सारा कप केक भी हम अपने गैस चूल्हे पर बना सकते हैं पहले मैं दो कप प्रीमिक्स का बैटर बनाई हूँ और ऐसा ही बैटर मैं अपने केक के लिए भी बनाती हूँ इससे थिक या इससे रनिंग बिल्कुल भी नहीं रहता सेम रहता है लेकिन अगर आपको कप केक के लिए थोड़ा इससे थिक भी करेंगे ना तो चलेगा ऐसा कुछ नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से जितना ही वो रनिंग रहता है उतना ही सॉफ्ट बनता है पर ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा रनिंग हो जाए कि अरे सॉफ्ट बनेगा वो आपका बेक होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा और अच्छा भी नहीं बनेगा और मैं चूल्हे पे बेक कर रही हूँ इसके लिए बहुत ज़्यादा बेटर एक साथ नहीं बना सकती थोड़ा थोड़ा ही करके मैं करी हूँ और इसका अगर सारा मेजरिंग आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी वैसे मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को चाहिए रहेगा क्योंकि आप लोग सौ कप केक तो बनाने नहीं जा रहे हो लेकिन अगर कोई बनाएगा तो उसके काम आ जाएगा और ये देखिए मेरा बेक होके भी हो गया है और जल्दी जल्दी ही बेक हो रहा था क्योंकि जो फ्लेम में अपने केक के लिए रखती थी उससे थोड़ा इसका हाई कर दी थी थोड़ा सा हाँ ज़्यादा नहीं मीडियम टू स्लो के बीच में ही रखी थी पहले मैं स्लो पे इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट भी करी थी उसके बाद जब मैं कप केक डाल रही थी ना तो मीडियम टू स्लो रख रही थी इससे ये जल्दी जल्दी हो गया था और ये रात के टाइम पर मैं बना रही थी इसलिए मुझे जल्दी था इसलिए मैं थोड़ा हाई फ्लेम करी थी अगर आप लोग के पास टाइम रहे तो आप लोग स्लो पे भी कर सकते हैं और ये मेरा रात में सवा दो बजे बन के तैयार हुआ था तो मैं रात में इसको बना कर रख दी थी मैं सुबह में ये सारी प्रिपरेशन करी हूँ मैं थोड़ा थोड़ा पहले बीच में से निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर गनाश डालना था इससे और भी टेस्टी होगा और मैं सारे ही कप केक का नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि कितनी लंबी वीडियो हो जाएगी और वीडियो का तो छोड़ो आप लोग बोर भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और ये कप केक के बीच में से मैं छोटा चम्मच ली हूँ जो मसाले में रहता है उससे थोड़ा थोड़ा निकालेंगे ना तो इजी से निकल जाता है अगर बड़ा आप लेंगे तो नहीं निकलेगा फिर उसमें गनाश डाली हूँ फिर ऊपर से मैं वापस से उसको उसी से कवर कर दी हूँ दूसरे से भी करेंगे तो हो जाएगा ऐसा कुछ इशू नहीं है कि जिसका निकालें उसी का उसमें डालना है आप एक साथ निकाल के एक प्लेट में रख दें फिर दोबारा उसमें एक एक में कोई भी लगाते जाए हो जाएगा और ये जो मुझे कलर बनाना था मैं पहले ही सारे पाइपिंग बैग में भर के रख ली हूँ मैं बोली बीच बीच में करूँगी तो कितना मैं एडिटिंग करूँगी और मुझे टाइम भी हो जाएगा और ये देखिए मैं अपने से कोई भी डिज़ाइन बना दी हूँ क्योंकि ये सब मुझे आज बारह रबी अवल है तो सारा बच्चों को देना था मैं सोची आज सब बांटते हैं कुछ ना कुछ तो मैं क्यों ना कब केक बाट दूँ इसके हिसाब से मैं बनाई हूँ ये ऑर्डर का नहीं है खाली थोड़ा सा ऑर्डर है वो मैं आपको दिखा दूँगी इसमें आप समझ भी जाएँगे कि ये ऑर्डर का है वो प्लेट में अलग से मैं रख के दिखा दूंगी आप वैसे भी समझ जाएंगे और ये मैं अलग नोजल से डिज़ाइन बना रही हूँ और सारे ही मैं थोड़े थोड़े ही बना बना के दिखा रही हूँ पूरा नहीं दिखा रही हूँ और मैं जब कब के मैं डिज़ाइन बना रही थी ना तो मुझे लग रहा था कि आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं एक बार बार ये बात बोलती हूँ क्योंकि मैं बैठे रहती हूँ और ऊपर लगा रहता मुझे नहीं समझ में आता है लेकिन ये मेरी गलती है मुझे ध्यान देना चाहिए और ये जो बना रही हूँ ना ये ऑर्डर का है उनको छः कप केक ही चाहिए था उनके नाम में ना सिक्स लेटर ही आता है तो वो बोले थे आप ऐसा बना देना कि एक एक में मेरा एक एक वर्ड है तो मैं बोली ठीक है तो उसी दिन मेरा कप केक का भी ऑर्डर था इसके लिए मैं दोनों ही साथ में बनाई हूँ और सारे कप केक की फ़ोटो मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ बहुत ही प्यारा दिख रहा था अगर मेरी ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना उम्मीद करूंगी कि आप लोग को मेरा ये कप केक बहुत ही पसंद आए और बच्चे लोग आज बहुत ही ज़्यादा खुश हुए वैसे बारिश हो रही थी नहीं तो रोड पे मैं भेज देती बच्चों को लेकर कि आप लोग जाके वहाँ पे बांट कर आ जाइए लेकिन है ना बारिश होने लगी सारा गड़बड़ हो गया हम लोग को बिल्डिंग के अंदर ही सारे बच्चों को देना पड़ा लेकिन फिर भी चलो अच्छा लगा जो मेरा छः कप केक ऑर्डर का था ना उसको मैंने डेढ़ सौ रुपये में सेल करी वैसे मैं एक कप केक है ना बीस रुपये में देती हूँ लेकिन जब बॉक्स में करके देना रहता है ना तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाती है क्योंकि उसका बॉक्स ही तीस रुपये का आता है कभी पच्चीस कभी तीस ऐसा उसकी प्राइजिंग रहती है क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव अच्छा दिखता है बहुत ही सुंदर रहता है कप के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है और ये मैं ऊपर चॉकलेट से थोड़ा सा ऐसे गार्निशिंग कर दी हूँ सब मैं नहीं करी हूँ थोड़े में करी हूँ और जो ऑर्डर का था उस पर मुझे एक एक पे एक एक वर्ड लिखना था तो मैं चॉकलेट से ही उस पर लिख दी हूँ आगे आप लोग को दिखेगा और उम्मीद करूँगी कि आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय